सावधान, अगर आप लखनऊ से एक्सप्रेसवे के जरिए यात्रा कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि इन दिनों एक्सप्रेसवेज पर लूटपाट करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। जी हाँ, एक ऐसे ही एक्सप्रेसवे पर लूट करने वाले गिरोह का लखनऊ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। लखनऊ की गोसाईगंज पुलिस और डीसीपी की सर्विलांस सेल ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह 5 अप्रैल को गोसाईगंज थाना क्षेत्र से फ्रिज से लदे हुए ट्रक को लूट लिया था। यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा के आगे एक डीसीएम ट्रक को कुछ व्यक्तियों ने आकर उसको लूट लिया और उसमें 45 फ्रिज थे, वो ट्रक को लेकर सामान को लेकर फरार हो गए। उसमें आज गोसाईगंज पुलिस और डीसीपी साउथ सर्विलांस टीम की टीम ने बहुत अच्छा काम करके अनावरण किया है। इसमें घटना में 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिनके नाम है सुरेश कुमार यादव, मुकेश कुमार तिवारी, अमन शर्मा, सूरज मिश्रा और अश्विनी कुमार सिंह। इन्होंने एक बोलेरो यूज़ की थी जो ट्रक के पास रोकी थी, उसके बाद खटखटाए, ड्राइवर सो रहा था, उसको उठाए और उसके ऊपर हावी हो गए और फिर ट्रक लेकर फरार हो गए थे। इस घटना में जो प्रयुक्त बोलेरो थी वो भी हमारे पास है, रिकवर हो चुकी है। इसके अलावा एक नाजायज़ तमंचा, 12 बोर मई, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 28 गोदरेज के फ्रिज बरामद हुए हैं। इसमें इनका मास्टरमाइंड महेंद्र सिंह अभी फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। इनका कोई पूर्व में भी ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड रहा कि ये लगा है, इससे पहले भी हाईवे पर इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिए क्या? ये गैंग एक एटीएम क्लोनिंग के लिए कुछ मुकदमे सामने आए हैं। इनमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास अभी चेक किया जा रहा है। इन लोगों ने मोबाइल लूट में भी एक जेल गए हैं, तो इनका आपराधिक इतिहास रहा है। ये एक कनेक्टेड गैंग की तरफ काम करते हैं, ये एक लोकल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, तो इस पूरी गैंग को आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक्सप्रेसवे पर लूटपाट करने वाले इस गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक तमंचा, वारदात में प्रयोग की जाने वाली गाड़ी के अलावा लूटी हुई ट्रक और गोदरेज के 28 फ्रिज जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सुल्तानपुर के अमेठी जिले के निवासी के रूप में हुई है। इन सभी पर अब गुंडा और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के खुलासे के बाद लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने लखनऊ पुलिस की तरफ से इन पुलिस वालों को 20,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।